युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे का चरितार्थ करते हुए इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे देश सहित भिलाई में भी संत निरंकारी मंडल द्वारा किया गया। रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, यह कथन था युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, जिसे चरितार्थ करते हुए इस वर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 24 अप्रैल रविवार को किया गया। सेक्टर 8 स्थित भिलाई नायर समाजम स्कूल में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। प्रथम रक्तदाता के रूप में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं में रक्तदान करने का उत्साह व उमंग देखते ही बन रहा था। पुरुष रक्तदाता जहां उमंग से रक्तदान कर रहे थे, वहीं महिलाओं ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। आज मैं 28वीं बार ब्लड दे रहा हूं, इसके पहले मैं 27वीं और ब्लड दे चुका हूं। कैसा महसूस करते हैं ब्लड देने के बाद? बहुत अच्छा महसूस होता है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। ये ब्लड देने से हमारे अंदर की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कैंसर का खतरा कम रहता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है, पता ही नहीं चलता है कि ब्लड दिया। बिल्कुल, आप एक बार ब्लड देके देखिए, आपका डर मुक्त हो जाएगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। और किसी का अपन अगर हमारा ब्लड चढ़ रहा है तो कितना बड़ा जीवन दान होगा, ये हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षा से ही हमें ब्लड डोनेट करते हैं। कैसा महसूस करते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद? अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसी को ब्लड डोनेट करने से किसी को लाइफ मिलती है और हमारे अंदर तो फिर से न्यू खून बन ही जाता है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो कितने बार कर चुके हैं आप? थर्ड टाइम कर रहे हैं। तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ। ये बगल में कौन है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, आप लोग दोनों एक साथ? हाँ, कर रहे हैं। साथ ही कर रहे हैं। चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हर साल संत निरंकारी मिशन के द्वारा 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे युवा बुजुर्ग जिनका भी जो भी स्पेसिफिकेशन मैच करता है वो ब्लड डोनेट करते हैं। मैं 10 सालों से समाज के कल्याण हेतु ब्लड डोनेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे माइंड में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है अन्य प्रकार की, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति के लिए ये काम जरूर करना चाहिए। डोनेट हीरो सेव लाइफ। थैंक यू। संत निरंकारी मंडल दुर्ग भिलाई के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया, जिसमें से कुछ रक्तदाताओं को हीमोग्लोबिन की कमी व अन्य कारणों से ब्लड बैंक प्रभारी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। इस भव्य और बृहद रक्तदान शिविर में सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया गया। इसमें पुरुष रक्तदाताओं सहित महिला रक्तदाताओं ने भी अपना रक्तदान कर सर्व समाज को संदेश दिया, किसी की जान बचाने के लिए किया गया रक्तदान कितना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही संत निरंकारी मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूरे देश में 250 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में लगभग 40,000 से 50,000 यूनिट रक्तदान संकलित कर हितग्राहियों को समर्पित किया जाएगा। इस निरंकारी मिशन का हमेशा से जो उद्देश्य रहा है वो मानवता की सेवा करना रहा है। हमारे सदगुरु बाबा गुरुबच्चन सिंह जी महाराज की 24 अप्रैल सन 1980 को शहादत के बाद जो हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जिन्होंने गद्दी संभाली थी, उन्होंने जो पुरा सदगुरु थे बाबा गुरुबच्चन सिंह जी, वो बाबा हरदेव सिंह जी के पिताजी थे, लेकिन उन्होंने बदले की भावना को हटाते हुए उन्होंने ये कहा कि मानव का रक्त जो है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। और मानवता के सेवा के उद्देश्य से उस समय से ब्लड डोनेशन कैंप का निरंकारी मिशन आयोजन करते आ रहा है और इसमें लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसका उद्देश्य पूरा मानव सेवा ही है। संत निरंकारी मंडल की एक संस्था है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो 24 अप्रैल के दिन हर वर्ष रक्तदान का आयोजन करती है। इस रक्तदान से हम जो हितग्राही हैं इसके, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, रक्त की कमी से जो और बीमारियों वाले पेशेंट हैं, उनको हम रक्तदान देते हैं ताकि उनका जीवन बच सके। इसके अलावा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान कार्यक्रम भी होता है, जैसा कि आप देखते हैं फरवरी माह में होता है। कई बार हमने स्टेशनों में सफाई की है, दुर्ग स्टेशन, पावर हाउस स्टेशन, और भी सामाजिक कार्यों में बहुत सारे कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं। आज यहाँ पर रक्तदान शिविर के साथ साथ मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा सिंह सुदीक्षा जी महाराज जी के जो
संदेश उपदेश है उनको हम यहाँ पर सत्संग के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारे तृतीय गुरु सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत के बाद 1986 में ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ और 1986 से लेकर अभी तक लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि मनुष्य का जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में, तो उसको चरितार्थ करते हुए ये सारा ब्लड डोनेशन हर साल 24 अप्रैल को तो हम करते ही करते हैं, मानव एकता दिवस मनाते हैं और साथ में ये ब्लड डोनेट पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में होता है ये, और उसके साथ साथ अलग अलग समय पे भी हम लगातार करते रहते हैं। अभी तक हमने करीब करीब 12 लाख यूनिट निरंकारी मिशन में ब्लड डोनेट कर चुके हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हम करीब 14,000 यूनिट 2013 से लेकर आज तक कर चुके हैं। आज भी जो हमारी टारगेट है 300 से अबव है और अभी बहुत अच्छा रस चल रहा है और 170 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ब्लड डोनेशन लगातार चालू है और रजिस्ट्रेशन भी चालू है। तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो निरंकारी मिशन की सदगुरु हैं वो चाहती हैं कि जो मनुष्य का जितनी भी सेवा हो सके जिस रूप में भी, क्योंकि रक्त सबसे बड़ी चीज़ है सेवा के लिए, जहाँ रक्त की बहुत कमी होती है, देखिए आप थैलेसीमिया के कारण और बहुत सारे कारण बच्चों की जहाँ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, इसलिए हम निरंकारी मिशन इस चीज़ को चरितार्थ करते हुए हमेशा ब्लड डोनेशन को आगे रखता है। संत निरंकारी मंडल द्वारा पूरे देश में जगह जगह समय समय पर जनहित से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए संत निरंकारी मंडल जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है और पूरे देश और दुनिया में इसका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।